नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। जुलाई में कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा, हो गया है कन्फर्म, केंद्र सरकार ने आदेश किए जारी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में और पेंशनर्स के महंगाई राहत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होने जा रही है और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बेसब्री से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। आपको बता दें कि साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, एक बार जनवरी महीने में, वहीं पर दूसरी बार जुलाई में। जनवरी 2024 से कुल महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, जिसका भुगतान कर्मचारी और पेंशन भोगियों को किया जा रहा है। अब जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता होगा, इसका इंतजार सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मई 2024 का AICPI का सूचकांक जारी हो चुका है। दोस्तों, अब जल्द ही कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हालांकि इसका जो ऐलान होगा वह अक्टूबर के आसपास किया जाएगा, लेकिन कंफर्म हो चुका है कि महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। जनवरी महीने का सूचांक 138.9 अंक पर आया था, इस हिसाब से महंगाई भत्ता 50.84% हो गया था। फरवरी महीने का सूचांक 139.2 पर था, इस हिसाब से महंगाई भत्ता 51.44% हुआ था। मार्च महीने में 138.9 अंक हुआ, महंगाई भत्ता 51.95% हो गया। अप्रैल महीने का 139.4 अंक था, इस प्रकार महंगाई भत्ता 52.43% हो गया। अब मई महीने का सूचांक जारी हो चुका तो यह आंकड़ा 139.9 अंक हुआ, इस हिसाब से महंगाई भत्ता 50% से सीधा 52.91% हो चुका है। अगर जून महीने का सूचांक जारी होता तो इस आंकड़ा में 0.4 अंक की बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, कुल मिलाकर 141 हो जाएगा। इस हिसाब से महंगाई भत्ता 53.12 होगा, लेकिन दशमलव के बाद वाला अंक नहीं गिना जाता तो जुलाई से महंगाई भत्ता 53% ही का भुगतान होगा। दोस्तों, कर्मचारियों को जुलाई में 3% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।